हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स। और आज हम बात करने वाले हैं हैवी ड्यूटी सेंटर पिनिंग मशीन के बारे में, जिसके अंदर आप फ्रॉम 30 पेजेस टू 210 पेजेस तक की बुक बाइंडिंग आसानी से कर सकते हैं। अगर 70 पेजेस के 210 पेजेस आप डालते हैं तो आप इसको सिंगल शॉट में स्टेपल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर चाहें तो इसके अंदर सेंटर पिनिंग भी कर सकते हैं। इस मशीन के अंदर इस तरह से आपको स्टेपलर लोड करने के लिए ट्रे भी दिया गया है और एक्स्ट्रा स्टेपलर पिंस लोड करने के लिए एक्स्ट्रा कैबिन भी दिया गया है। और अब मैं आपको इसका एक डेमो करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये रेड कलर बटन प्रेस करना है, उसके बाद ये ट्रे बाहर आएगी। ट्रे बाहर आने के बाद आपकी जो भी बुक है उसके साइज के हिसाब से उसका एक स्टेपलर पिन अंदर डाल दीजिए। अगर आप 30 पेजेस 100 पेजेस की साइज की बुक बना रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग साइज की पिन लगती है, और अगर आप 200 पेजेस की बुक पिनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए अलग साइज की पिन लगती है। ट्रे को पूरा बंद करने के बाद आपको अपना जो भी बुक बाइंडिंग करना है वो पेजेस निकालने हैं। निकालने के बाद उसको साइड में या फिर सेंटर में पिनिंग कर देना है। इस तरह से बाइंडिंग हो जाती है। ऊपर की तरफ एकदम नीट एंड क्लीन पिन लगता है और पीछे की तरफ इस तरह से नीट एंड क्लीन क्लोजिंग हो जाता है। एंड इस मशीन के अंदर एक और खास बात यह है कि आप इसकी जो डेप्थ है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वक्त इसकी डेप्थ है 1 सेंटीमीटर, बट अब अगर हम इसकी डेप्थ इंक्रीज करना चाहें, लेट अस से हमें पिनिंग यहाँ सेंटर में करनी है, तो आपको बस ये पीछे से लीवर पीछे खींचना है, अपना हैंडल को इस तरह पीछे लेना है, वापस लीवर को इस तरह से लॉक कर देना है, और अब आपकी बुक पूरी अंदर तक जाएगी। और अब आप इसका एक बार स्टेपलर करके देखिए, और इस तरह से आपको कोई अगर सेंटर पिनिंग करना हो तो यहाँ बुक आधी ही ओपन होगी। ये जनरली कोई बड़ा ब्राउचर हो या कैटलॉग हो तो उस केस में आपको यूज होता है, बिल बुक में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ। इस तरह से जो इसकी डेप्थ है 21 सेंटीमीटर तक अंदर जाती है, तो 21 सेंटीमीटर लगभग एक A4 पेपर हो जाता है। आप चाहें तो पूरी अपनी A3 साइज या 3019 की शीट भी अंदर डाल सकते हैं और उसे भी सेंटर पिनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ वेस्ट पेपर लिए हैं और अब आपको पूरे A4 साइज की सेंटर पिनिंग करके बताते हैं। इस तरह से पूरी जो है सेंटर पिनिंग आपको हो जाएगी। ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ दोनों ही एकदम नीट एंड क्लीन आपको फिनिशिंग मिली है। इस तरह से पूरी जो बुक है बाइंडिंग हो जाती है। अगर कोई बड़ा कैटलॉग है, ब्राउचर है, तो उस केस में आपको ये सेंटर पिनिंग काम आती है। और ये था बस एक सिंपल डेमो हमारी स्टेपलर मशीन के लिए। अगर आपको ये मशीन ऑर्डर करना है तो आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि YouTube के फर्स्ट कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। हमारे पास ऐसी और कई मशीन्स हैं, जैसे कि 200 पेजेस सिंगल होल पंच मशीन या फिर 200 पेजेस साइड स्टेपलर मशीन। इनका भी वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल में मिल जाएगा।